पिडिलाइट कंपनी के दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने और अपने घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। एक है डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस 101 और दूसरा है डॉक्टर फिक्सिट URP 301। इन दोनों के इस्तेमाल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, देखने को मिलती है। अक्सर मेरी भी शॉप पे कस्टमर आते हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसीलिए हम आज इसके बारे में हम बात करते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल करने का तरीका और इन दोनों के फ़ायदे बिल्कुल अलग अलग हैं। बस खाली नाम से डॉक्टर फिक्सिट के नाम पे लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका और उसके फ़ायदे बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस के बारे में। डॉक्टर LW प्लस 101 आपका ये लीटर में आता है, सबसे पहला डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में, ये आपका लीटर में आता है। वहीं URP आपका कंपनी KG के हिसाब से बना के बेचती है। ये आपका 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर के हिसाब से आता है, ये KG के हिसाब से आता है। 1 KG, 5 KG, 10 KG, 20 KG, जो मूलभूत अंतर जो है कंपनी की तरफ से सबसे पहला तो यही है कि ये लीटर में आता है, ये KG में आता है, जबकि होते दोनों लिक्विड हैं। अब बात करते हैं ये LW प्लस का इस्तेमाल हम कहाँ करना चाहिए, कहाँ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें मसाले में मिलाने के तौर पे करना चाहिए। इसका इस्तेमाल मसालों में मिलाने के लिए होता है। मसाला यानी जो सीमेंट, रेत और पानी का जो आपका मिक्सचर होता है, जिसका इस्तेमाल हम स्लैब में, प्लास्टर में, बीम में, पिलर में, कॉलम वगैरह में करते हैं, ये उसमें मिलाने के लिए होता है। इसको मिलाने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके सरिया है होती है उसके कोरिजन को, रस्टिंग के प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, मतलब उसको जंग लगने से बचाती है, जिससे आपके निर्माण को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है, वो काफ़ी और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो ये है कि जब भी मसाला बनाते वक्त और उसको लगाते वक्त में कुछ एयर बबल्स पार्टिकल्स होते हैं जो बीच में मिक्स हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, वो एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, जो प्लास्टर पे लगा दिया जाता है या स्लैब में डाल दिया जाता है, वो बाद में धीरे धीरे जब वो एयर बबल निकलता है तो उससे हेयर क्रैक्स आ जाते हैं। अक्सर प्लास्टर पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो हेयर क्रैक्स भी जिनको बोलते हैं वो आ जाते हैं। ये उन एयर बबल्स को निकालने का काम करता है, उन एयर बबल्स को बनने नहीं देता। क्यों नहीं बनने देता? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी कर देता है ये सीमेंट और रेत के बीच में कि उसमें कोई स्पेस रह नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपके जो काम का जो फिनिशिंग होती है वो भी अच्छी होती है, प्लस मजबूती भी बहुत ज़्यादा होती है और ये क्रैक्स वगैरह भी प्रिवेंट करता है। अब इसकी वाटरप्रूफिंग को लेकर के कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है। आपके मसालों की जो इंटर बॉन्डिंग ये बनाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से जो हल्की फुल्की सीलन होती है वो नहीं आ पाती। मैं हल्की फुल्की सीलन की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सीलन अगर होगी तो ये काम नहीं कर पाता, वहाँ पर फिर दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इसी वजह से सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। इसकी पैकिंग आपको मिलेगी 200 ml में, 500 ml में, 1 लीटर में, 5 लीटर में, 10 लीटर में और 20 लीटर में, और उसके साथ साथ 50 लीटर में भी आता है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पैकिंग का साइज़ ले सकते हैं। 200 ml में ये 50 किलो का एक बैग सीमेंट पर्याप्त है। एक मतलब 50 किलो की एक बोरी में, सीमेंट की बोरी में आप 200 ml डॉक्टर फिक्सिट का LW प्लस 101 मिला सकते हैं, और 1 लीटर का जो डब्बा आता है वो आपके 5 बैग सीमेंट के काम के लिए पर्याप्त होता है। इसको कंपनी सीमेंट का टॉनिक कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि सीमेंट को इससे स्ट्रेंथ मिलती है, इसीलिए सीमेंट का टॉनिक होता है, यही कहकर प्रमोट करती है। इसकी आपको कोटिंग नहीं करी जाती। हमने अक्सर देखा है कि कई लोग इसकी कोटिंग भी कर देते हैं बाथरूम वगैरह में या जहाँ पे सीपेज होती है, सीलन होती है, वो नहीं करना चाहिए, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका वही दो प्रमुख काम है जो मैंने आपको बताया, आपके निर्माण को स्ट्रेंथ देती है, एयर क्रैक से बनाती है, उसकी मजबूती में इजाफा करती है, प्लस ये जंग वगैरह लगने से आपके सरिया में बचाती है, जिससे निर्माण की क्वालिटी अच्छी होती है और मजबूत होती है। अब हम बात करते हैं URP, डॉक्टर फिक्सिट URP के बारे में, URP 301 के बारे में। इसकी आप वाटरप्रूफिंग के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बाथरूम में, किचन में या फिर जहाँ पे सीलन हो। इसको करने के लिए इसकी मिक्सिंग करने का तरीका होता है LW प्लस के जैसे नहीं होता है कि आप इसको सीलिए मसाले में मिला दीजिए और काम ख़त्म। इसको बनाने का बड़ा अलग तरीका होता है, अलग से क्वांटिटी रेशियो में अनुपात आते हैं, उस हिसाब से इसको बनाना चाहिए, तभी इसके जो पूरा फ़ायदा है वो हमको मिल सकता है। अगर आप की दीवार पे, अगर आप टाइल्स लगवाने जा रहे हैं, आपकी दीवार पे कहीं ज़्यादा सीलन है, पहले हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा सीलन है अगर आपकी दीवार पे, तो पूरे दीवार का सबसे पहले प्लास्टर हटा दीजिए, ईंटें दिखने लग जाएँ। हटाने के बाद 1:1.5, मतलब 1:1.5 के अनुपात में, यानी 1 किलो आपका डॉक्टर फिक्सिट URP 1.5 किलो सीमेंट में मिक्स करके 2 कोट लगाना है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पानी नहीं मिलाया जाता इसमें, इसमें पानी मिलाने से इसकी बॉन्डिंग जो है बहुत हल्की हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसमें जब कोटिंग करते हैं तब पानी नहीं मिलाते हैं, बाकी
इसका एक और इस्तेमाल होता है, उसमें हम पानी मिला सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी दो कोट करिए बिना पानी मिलाए, 1.5 किलो सीमेंट में 1 किलो URP मिलेगा। 1 किलो URP मिलाने के बाद उसको दोनों को अच्छे से मिक्स करें, सीमेंट को और URP को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो आपका पेंट का जो ब्रश होता है उससे दो कोट लगाएं। पहला कोट अगर आप वर्टिकल लगा रहे हैं तो दूसरा कोट हॉरिजॉन्टल लगाएं, ताकि इनकी बॉन्डिंग अच्छी चिपके, और दो कोट के बीच में कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप देना ज़रूरी है, ताकि इनकी स्ट्रेंथ अच्छे से दीवार को चिपक सके और ग्रिप अच्छी अपनी बना सके। इसका इस्तेमाल ये इस तरीके से होता है। इसकी कवरेज आप देखेंगे तो जहाँ ये 200 ग्राम में 50 किलो का सीमेंट के बैग के लिए पर्याप्त था, वहीं ये 1.5 किलो में 1 किलो पूरा का पूरा लग जा रहा है। तो इसके तुलना में LW+ की तुलना में इसकी कवरिंग काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये आपको मटेरियल काफ़ी ज़्यादा लग जाता है LW+ की तुलना में। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं रिपेयरिंग में, जैसे आपका कहीं आपको रिपेयर कराना है, जैसे हमने बताया ना दो कोट लगाने के बाद फिर जब आप प्लास्टर कराएंगे, जैसे दीवारें हटा करके पूरा प्लास्टर हटा करके हमें दो कोट इसकी हमने रिपेयरिंग में वो कोटिंग में लगा दी, उसके बाद जब हम प्लास्टर करेंगे उसमें, उसको रिपेयरिंग हम बोल देते हैं, अगर हम जब उसमें प्लास्टर करेंगे तो उसमें इसको मिलाना है आपको, इसकी मिक्सिंग, फिर उसमें फिर आप पानी मिला सकते हैं। बहुत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये अक्सर लोग गलती करते हैं, कारीगर भी नहीं समझ पाते, लेबर भी नहीं समझ पाते, और ठीक ठाक जो कॉन्ट्रैक्टर मैंने देखा है उनको भी नहीं मालूम होता कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करने का क्या फार्मूला है, कैसे मिक्स करना जाता है। रिपेयरिंग के लिए उस तरीके की जो प्लास्टर करना है, अगर वाटरप्रूफिंग के प्लास्टर के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे 50 किलो का एक बैग सीमेंट है आपका, उसमें 7.5 किलो ये लगना है, एक बैग में 7.5 किलो ये लगना है, उसके बाद 10 लीटर पानी से ज़्यादा नहीं मिलाना है। 20% पानी होता है सीमेंट के वेट के हिसाब से, यानी 50 किलो का अगर सीमेंट है तो 20% के हिसाब से 10 लीटर पानी मिलाना है, उसके बाद 7.5 किलो इसको मिलाना है। इन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद फिर आपको उसको प्लास्टर कर देना है, फिर आपको डिजायर रिजल्ट इसी हिसाब से मिलता है। ये आपका कंप्लीट तरीका होता है URP करने का, सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफिंग के लिए यही इस्तेमाल होता है। अगर इस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 1.5 किलो में कौन 1 किलो मिलाता है, पूरे बैग में ही 1 किलो मिला देते हैं, फिर कहते हैं कि ऐसा हो रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आया, अभी भी वो चीज़ हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सीलन में बहुत अच्छा खासा आपको कमी देखने को मिलेगी और आपको फ़ायदा होगा। इसको इसकी भी पैकिंग आपको मिल जाएगी 200 ग्राम में, 500 ग्राम में, 1 किलो में, 5 किलो में, 10 किलो में और 20 किलो में। तो इन दोनों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको अब कुछ अंतर इसके बारे में समझ में आया होगा, इस्तेमाल करने के बारे में समझ में आया होगा। ये तो बहुत आसान है लगाना, इसको तो आप सीधे मसाले में मिलाइए, 200 ml एक बोरी में आपका काम हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा इसके रेशियो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब भी आप इसको ख़रीद के लाइएगा तो पीछे इसके जो है पूरा मैनुअल लिखा होता है, ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको भी कुछ और समझ में आएगा फिर कि मैं क्या बता रहा हूँ। हालांकि जो मैंने बताया उस तरीके से भी आप करते हैं तो सेम वही चीज़ मैंने आपको सरल भाषा में बताई, इसमें बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी है जो समझ में दिक्कत है। मैंने सिंपल एक फार्मूला बना दिया, 50 किलो के एक सीमेंट में रिपेयरिंग के लिए, कोटिंग के लिए हमने बता दिया है, 1 किलो URP में 1.5 किलो सीमेंट मिला के बिना पानी मिलाए उसको दो कोट करना है आपको, उसके बाद जब रिपेयरिंग है, जब जैसे प्लास्टर करना है उसको रिपेयर करना है, तो उसमें हमने बता दिया है 50 किलो के एक सीमेंट बैग में 7.5 किलो URP प्लस 10 लीटर पानी मिला के आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है, आपको डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो कुछ समझ में आई होगी, कुछ लाभ आपको हुआ होगा, कुछ कन्फ्यूज़न आपकी दूर हुई होगी। नया चैनल है, सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।